नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। आज एसडीएम नजीबाबाद श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने तहसीलदार श्री राधेश्याम शर्मा के साथ नगरपालिका नजीबाबाद की ओर से बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। ठीक है सर, ये कोरोना का पैनल है। ठीक है, और क्या होता है? अलाव सर यही चलेगा। यार इसे पूछो, फोल्डिंग नहीं मिलेगी उसकी? टेंट से फोल्डिंग मिल जाए, फोल्डिंग पड़ जाए, दूर दूर हो जाएगी, गद्दा पड़ जाएगा। नहीं ये तो ज़्यादा सही है, टूटेगा नहीं, फोल्डिंग या तोड़ डालेंगे। आपको बता दें कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। यात्रियों और बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगरों में रैन बसेरे बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि यात्रियों और बेघर लोगों को ठंड से बचाया जा सके। यहाँ कितने आदमी व्यवस्था है रुकने के लिए? करीबन 15 लोग। खाने पीने की व्यवस्था है यार, और कुछ कोई व्यवस्था नहीं? खाने पीने की व्यवस्था है, नाश्ते वाले की, अभी यहाँ इतना कोई रुका नहीं है। अच्छा, हाँ तो आज शुरू हो रहा है? नहीं, कल से शुरू हुआ है, कल एक गेस्ट रुके थे रात आज। अच्छा अच्छा, तो उनसे कोई किराया वगैरह कुछ लेते हैं? कुछ फ्री सेवा? हाँ, आईडी, उनकी आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ चेक करते हैं, तब उन्हें एंट्री देते हैं अंदर। इस मौके पर उपजिलाधिकारी श्री बीके सिंह ने बताया कि आगामी ठंड को देखते हुए नगर पालिका के कर्मचारियों को साथ में लेकर रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एसडीएम ने वहां पर तैनात कर्मचारियों को ठंड में अलाव जलाने के भी निर्देश दिए। सभी जो हमारे रैन बसेरा हैं उसमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, इसलिए हम लोग एक निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी आगामी ठंड में कोई भी ठंडी से कोई कैजुअलिटी ना। सर और कहीं बनाएंगे इसके अलावा? इसके अलावा हमारा स्थाई है एक छोटी माँ मंदिर के पास, और कीरतपुर में भी है, और साहनपुर में भी है, और जहाँ भी और देखेंगे हम लोग ज़रूरत महसूस करेंगे वहाँ भी।